मैं आपकी होस्ट आपके लिए 200 गज का घर लेकर आई हूँ, 5 बेडरूम हाउस एंड रेजिडेंशियल रीजन में आज का घर रहेगा, बिकॉज जो लोकेशन है वो सन इनक्लेव सेक्टर 123 मोहाली की रहेगी। एंड घर की लोकेशन इसलिए भी ज्यादा अमेजिंग है बिकॉज ये सेक्टर 123 में है, एयरपोर्ट रोड से बहुत ज्यादा पास है आज का घर दोस्तों। एंड ठीक है, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी आपका बाबा जी होम्स में। सो चलिए मैं आपको एलिवेशन दिखाती हूँ घर की। देखिए कुछ इस तरह की एलिवेशन है 200 गज के घर की। देखिए काफी ब्लैक यूज किया है हमने, क्योंकि ब्लैक तो रॉयल्टी का कलर होता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ एक रॉयल सी चीज मैं आज आपके लिए वीडियो में लेकर आई हूँ। काफी अच्छी एलिवेशन है और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको यहाँ पर पर्सनल लॉन मिल जाएगा। सो आप प्लांटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, फेंसिंग हुई पड़ी है, पूरी सेफ्टी है, ठीक है। यहाँ पर है रैंप एरिया इस घर का, पूरा एंटीस्केट का वर्क आप दिखाई दे रहा होगा आपको। एंड यहाँ पर है आपका आयरन का गेट जो कि आपको काफी हैवी दिया गया है, ठीक है। पार्किंग की बात करूंगी अब मैं, तो यहाँ पर एक गाड़ी लगाने के लिए प्रोविजन हमने दिया है रिजर्व पार्किंग में। एंड इस साइड भी देखिए कुछ स्पेस यहाँ पर भी आपको मिलेगी, जो पूरी तरह एक फेंसिंग हुई पड़ी है, वॉल्स एंड ईच हर चीज दिया है। और घर की अच्छी बात है दो एंट्रेंस है यार, देखिए एक इस साइड एंट्रेंस है आपकी, तो अब यहाँ पे भी एंटर करवा सकते हैं अपने गेस्ट हो आप हो जैसे भी, है ना अच्छी बात दोस्तों। एंड सेकेंड एंट्रेंस तो जो मेन एंट्रेंस है वो तो आपको पता ही होगा, वो रहेगी यहाँ पर। तो स्टेयर्स देखिए इस साइड रहेंगी आपकी घर की। एंड काफी अच्छा यहाँ पर आपको ओपननेस दिखाई देगी एक्सटीरियर की जो स्पेस है। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ गाइस घर के अंदर। तो डोर काफी अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पर मिलेगा विद डिजिटल लॉक, सो दैट सेफ्टी जो है वो पूरी रहे घर की। सो स्वागत है आपका घर के अंदर दोस्तों। तो देखिए कितनी ज्यादा ओपन स्पेस आपको नजर आ रही है, पूरा एक बार व्यू लीजिए, देखिए कितनी ज्यादा ओपननेस है पूरे ही घर में। ये आपका ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस आप इसको बोल सकते हैं। फोल्स रूफ पे वर्क देखिए कितना ज्यादा प्यारा है, और यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी वॉल यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है हमने आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर है आपकी साइड यूनिट, तो आप उसको साइड बोर्ड बोल सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट बोल सकते हैं, स्टोरेज कुछ भी चाहे आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एलईडी पैनल हमने दिया है। एंड सबसे अच्छी बात है पाउडर रूम भी इस घर में आपको मिल रहा है, तो ये है पाउडर स्पेस। तो समटाइम्स जो गेस्ट हैं कॉमनली हम यूज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो कर सकते हैं आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करे बगैर। एंड इसके साथ ही किचन में मैं आपको लेकर जाऊंगी, आइए। तो यहाँ पर देखिए एंट्रेंस है किचन की, काफी अच्छी पार्टीशन वुडन के साथ आपको मिलेगी। एंड फुल्ली मॉड्यूलर है किचन आप लोगों के लिए। एंड देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन की है, रूफ को देख लीजिए, ठीक है। कंपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए ब्लैक का कंसेप्ट हमने रखा है, हाइड्रोलिक फिटिंग है। एंड नीचे पूरी लाइटनिंग आपको हमने दी है, काउंटर टॉप काफी वाइड है यहाँ पर। यहाँ पे वॉशिंग एरिया आ गया, विंडो आ गई, देखिए कितनी ओपन के कंसेप्ट में भी हमने कुछ आपको ट्रेंडी सा दिया है, सो दैट यू कैन डिस्प्ले योर क्रॉकरीज एंड ऑल। एंड यहाँ पर आप कर सकते हैं क्रॉकरीज अपनी स्टोर। तो यहाँ पर ये रही किचन की बात, यहाँ पर आएगा आपका रेफ्रिजरेटर, देखिए काफी अच्छी स्पेस है, सो दैट बड़े से बड़ा जो फ्रिज होता है ना आपका, आप बेझिझक लगाइए। सो ग्राउंड लेवल पे आपको 3 बेडरूम यहाँ पर हम दे रहे हैं, फर्स्ट बेडरूम में एंटर करवाती हूँ, आइए। और स्पेस काफी अच्छी है यार, देखिए इस बेडरूम में जो फर्स्ट बेडरूम है उसकी, एंड वर्क आपको हम यहाँ पर करके दे रहे हैं कि आपको कुछ भी ना करना पड़े, आप अपना सामान उठाइए और शिफ्ट कर जाइए अपनी फैमिली के साथ। एंड ऊपर रूफ वर्क भी देखिए कितना प्यारा है, वुडन के साथ लाइटनिंग एंड ऑल का काम है। एंड इस साइड है आपके कबर्ड्स अप टू सीलिंग हाइट, और साथ में है ड्रेसिंग एरिया। एंड यहाँ पर है एलईडी पैनल, काफी प्यारा है। एंड देखिए एक्सेस है आपके यूटिलिटी स्पेस का, एंड बिल्कुल साथ में ही वॉशरूम अटैच है, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं आपको यूटिलिटी स्पेस दिखा देती हूँ, आइए। तो काफी अच्छी देखिए यहाँ पर टाइल वर्क का काम आपको नजर आएगा, तो पेंटिंग का जो काम है वो कम हो जाता है, फेंसिंग हुई पड़ी है पूरी रूफ पे, देखिए यहाँ साइड्स पे देखिए पूरी सेफ्टी आपको मिल रही है, और दोनों ही बेडरूम से आप एक्सेस कर सकते हैं यूटिलिटी स्पेस। आइए दोस्तों सेकेंड बेडरूम दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही हमने दिया है। एक्चुअली कई घरों के जो मतलब नॉर्मल जो कंसेप्ट होता है, लेआउट होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जो जज करने वाली चीज है वो स्पेस एंड ऑल, क्या इंटीरियर आपको मिल रहा है, कितनी अच्छी क्वालिटी का वर्क आपको मिल रहा है। तो देखिए स्पेस के साथ साथ डेकोरेशन कितनी प्यारी है, वॉल पे वर्क कितना सुंदर हम दे रहे हैं आपको,
रूफ टॉप पे वर्क आप देख सकते हैं, कबर्ड्स देखिए, यहाँ पे एलईडी पैनल को देखिए, ओवरऑल एक आप कंसेप्ट देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको क्वालिटी की यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, यूटिलिटी स्पेस को आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अटैच वॉशरूम आपका रहेगा। तो चलिए अभी मैं आपको लेकर जाऊंगी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, बट उससे पहले यहाँ पर कुछ लेआउट में ट्विस्ट है, बिकॉज यहाँ पर हम आपको 3 बेडरूम दे रहे हैं नीचे, तो थर्ड बेडरूम आएगा आपका यहाँ पर। दोस्तों आइए, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप किड्स रूम यहाँ पर बना सकते हैं, बच्चों क्या होता है पेरेंट्स उस साइड रह रहे हैं 2 बेडरूम, तो बच्चे क्या होते हैं छोटे होते हैं तो वो साथ में ही रहे तो बेटर है, तो उस पर्पज से देखिए कितना कन्वीनियंट है। डेकोरेशन पूरी की है हमने, रूफ की बात करूं ठीक है, कबर्ड इस साइड आपके रहेंगे एंड यहाँ पर ही ड्रेसिंग एरिया है आपका। एंड सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एंट्रेंस दिखाई थी वो ये एंट्रेंस है दोस्तों, तो एक्सेस आप कर सकते हैं इजीली आपका जो फ्रंट एरिया है उसको। तो चलिए फाइनली फर्स्ट फ्लोर के लेआउट देखने का टाइम होता है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। आइए दोस्तों फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए चाहे तो ये भी बालकनी ही है एक तरह की, आप यहाँ पर भी खड़ सकते हैं ठीक है, एंड एक मेन बालकनी तो मैं अभी आपको दिखाने ही वाली हूँ थोड़ी ही देर में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, मिस मत करना किसी चीज को दोस्तों। देखिए घर तो अच्छा है ही, लोकेशन भी बहुत प्यारी है आज के घर की, तो घर अच्छा लग रहा है तो कॉन्टेक्ट करना बाबा जी होम से बिल्कुल भी मत मिस ना करना। एंड जो लेआउट है दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का है, सिमिलर है रूफ टॉप पे वर्क कुछ इस तरह का है, एंड यहाँ पर वॉल देखिए कितनी ज्यादा प्यारी डिजाइनिंग आपको दे रहे हैं हम ठीक है। एंड इसके ऑपोजिट अगर मैं दिखाऊं, देखिए अगेन साइड बोर्ड आपको हम दे रहे हैं स्टोरेज के लिए, यहाँ पे एलईडी पैनल हम दे रहे हैं, अगेन पाउडर रूम आपको यहाँ पर मिल रहा है, एंड किचन इस साइड रहेगी। जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर का लेआउट हमने देखा है इस घर का, सो लेआउट कुछ इस तरह का। यहाँ पर देखिए यार कितनी प्यारी फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आप नोटिस करेंगे ना तो आपका दिल खुश होगा। देखिए तो यही चीज जो आप वीडियो में देख रहे हैं यही चीज आपको इस घर में मिलेगी ठीक है। घर अच्छा लग रहा है तो फिजिकली विजिट कीजिए क्वालिटी को जज करने के लिए। सो चलिए फोर्थ बेडरूम में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फोर्थ बेडरूम की स्पेस ऐसी है कुछ, एंड यहाँ पर देखिए स्टोरेज आप कर सकते हैं ठीक है, यहाँ विंडोज हैं, यहाँ पर एक्सेस करते हैं फ्रंट बालकनी को, वो भी मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया आप अपना देख लीजिए, तो कबर्ड्स एंड ऑल आपको यहाँ पर हमने सेपरेट दिया है रूम से। चलिए फ्रंट बालकनी एक बार दिखाती हूँ आपको, तो थोड़ा आपको लोकेशन का भी आइडिया हो। एंड वहां पर देखिए सारा रेजिडेंशियल एरिया है, फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर, पीछे बैक पे भी इस घर के काफी रेजिडेंशियल है, सामने मार्केट है। और अच्छी बात ये है कि मार्केट ही नहीं गाइस, पीछे देखिए जलवायु टावर्स हैं ठीक है, सेक्टर 123 रेजिडेंशियल रीजन है इस घर का, सो दैट्स हर चीज स्कूल क्रेच गुरुद्वारा साहिब मंदिर मार्केट हर चीज आपको आपके यू नो हाथ की दूरी पर मिलने वाली है। तो आप देरी मत कीजिएगा इस घर को परचेज करने के लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। फिफ्थ बेडरूम दिखाने का टाइम है, बिल्कुल साथ में ही फिफ्थ बेडरूम में आइए। एंड फिफ्थ बेडरूम भी देखिए क्या कमाल का है, इंटीरियर तो देखने वाली चीज है। देखिए यहाँ पे वॉल का वर्क देखिए यार, लैंप्स देखिए, एंड ऊपर रूफ टॉप का वर्क कितना ज्यादा प्यारा है यहाँ पर, एंड सामने कबर्ड देखिए कितने सुंदर है, और वो भी कितनी अच्छी स्टोरेज हमने यूटिलाइज की है यहाँ पर, एंड साथ में ड्रेसिंग एरिया भी आपको दे रहे हैं, एलईडी पैनल है, एंड बड़ी विंडो है देखिए, काफी खूबसूरत घर है यार। रूम्स देखिए कितने खुले डुले यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, तो यही चीज इस घर में आपको मिलने वाली है। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी आपका टेरेस स्पेस, तो यहाँ जो आप एक्सेस करेंगे अपने इस रूम के साथ, ये देखिए। सो गाइस ये थोड़ी ना अभी थोड़ा तूफान आके हटा है तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर आपको क्लटर दिख रहा है, अदरवाइज यू कैन जज योर सेल्फ। कितना प्यारा फेंसिंग है ऊपर देखिए, आप चाहे तो छोटे मोटे फंक्शन अपने घर पे ही कीजिए। देखिए ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास हमने यहाँ पे रखी है, तो देखिए आप खुद ही देख लीजिए कितना प्यारा है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी आपका जो मेन टेरेस है, जहाँ पर हमने वाटर टैंक्स एंड ऑल आपको लगा कर दिए है ना, तो फुली डबल स्टोरी हाउस है। चलिए सेकंड फ्लोर पर चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर वीडियो एंड होती है, घर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही घर इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं बजट फ्रेंडली प्राइस में। सो अभी मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आई विल कम बैक इन दिस
आपके बाबा जी होम्स चैनल पे। एंड अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, टेक केयर योरसेल्फ गाइस, सी यू सून, बाय बाय।